डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, हमेशा की तरह आज भी मैंने आप लोगों को लिए और एक नया हिंदी इम्पोर्टेंट टाइमिंग ट्यूटोरियल लेके आप लोगों को सामने हाजिर हो गया। तो डियर ऑडियंस, आज मैंने आप लोगों को दिखाने वाला पेगासस W1600 इस मॉडल फ्लैट लॉक स्विंग मशीन का जिगजैग कैम अटैचमेंट और इस मशीन का जो ऊपर जो मेन शेप रहते इस मेन शेप सेटिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो शुरू से आखिर तक बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। फर्स्ट टाइम हम लोग इस मशीन का जो जिगजैग कैम अटैचमेंट करूंगा, फिर इस जिगजैग कैम कैसे आप लोग इस मशीन का जो मेन शेप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आज आप लोगों को इसी वीडियो में दिखाने वाला। तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को देखा रहा हूँ हमारा मशीन मेन शेप निकल के रखा और जिगजैग का जो कैम, इस कैम का जो कनेक्टिंग, इस कनेक्टिंग भी डिसकनेक्ट करके रखा। अभी आप लोगों को इस कैम को अटैचमेंट करूंगा, फिर इसको कनेक्ट करूंगा। इसलिए हम लोगों को इस जिगजैग कैम का जो कनेक्टिंग, इस कनेक्टिंग का दो बाजू होते, बड़ा वाला जो बाजू, इस बाजू में मेन कनेक्टिंग हो जाएगा। इस कनेक्टिंग का राइट साइड से हम लोग कनेक्टिंग डाल लेगा और लेफ्ट साइड से हम लोगों को एक वॉशर डालना पड़ेगा। वॉशर डाल के फिर वॉशर के ऊपर एक स्क्रू रखेगा, इस स्क्रू रख के फिर हम लोगों को फुल टाइट कर दूंगा। टाइट हो जाने के बाद फिर आप लोगों को एक एक करके बताऊंगा कैसे आप लोग इस मशीन का मेन शेप इसके अंदर डाल सकते हैं और इसका मेन शेप का साथ जो असेंबली रहते हैं, इस असेंबली कैसे आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरा इस वीडियो आप लोगों को पास अच्छा लग रहा है तो जरूर एक लाइक कर दीजिए और आप लोगों को कोई भी कमेंट मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और आप लोग मेरा चैनल में नया है तो फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाजू में जो घंटा आइकन बेल, इसको फेस करके रख दीजिए। तो फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम ऐसा वाला वीडियो अपलोड करने के बाद आप लोगों को मोबाइल और कंप्यूटर में नोटिफिकेशन हिसाब से मिल जाएगा। डियर फ्रेंड्स, इस मशीन का जो मेन शेप, इस मेन शेप दो मेन शेप होते हैं, मिडल में हम लोगों को इसको जॉइंट कनेक्टिंग डालना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड का जो मेन शेप, वो मेन शेप फर्स्ट टाइम डालेगा और राइट साइड का जो मेन शेप, इस मेन शेप हम लोगों को थोड़ा सा बाहर निकल के रखा। तो लेफ्ट साइड का जो मेन शेप, इस मेन शेप का बाजू में आप लोग देख रहे हैं एक मार्क वाला बाजू, इस मार्क वाला बाजू हम लोगों को राइट साइड में रखना चाहिए और मेन शेप का जो बाजू में ए पीट ओ पीट सीधी वाला बाजू, इस सीधी वाला बाजू हम लोगों को लेफ्ट साइड में जो नीडल वर्क का कैम, इस कैम का बाजू में रखना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग मेन शेप इसका अंदर डाला और इसका मेन शेप का साथ जो मूवमेंट कैम, इस मूवमेंट कैम भी इसका अंदर डाल दिया। हम लोग को इस मूवमेंट कैम डालने के बाद फिर हम लोगों को जो जिगजैग कैम, इस कैम को भी डालना पड़ेगा। कैम इसका अंदर डाल के फिर इसका अंदर घोचा के फिर हम लोगों को मशीन का जो मेन शेप, इस मेन शेप का अंदर घोचाना पड़ेगा। तो मैंने आराम आराम से इसको अंदर डाला। डालने के बाद फिर हम लोगों को लेफ्ट साइड में थोड़ा सा लेके आना पड़ेगा। तो हम लोगों को इधर एक काम करना पड़ेगा, इस जिगजैग का जो कनेक्टिंग, इस कनेक्टिंग को, कनेक्टिंग का साथ जो पिन रहते, इस पिन का साथ भी हम लोगों को अंदर घुसा के देना पड़ेगा। आप लोग शायद तो इसको फर्स्ट भी डाल सकते हैं और लास्ट भी डाल सकते हैं, लास्ट में डालेगा तो चाहिए। तो हम लोगों को इसको बाद में कनेक्टिंग का साथ कनेक्ट करूँगा। फर्स्ट टाइम हम लोग को इस जो मेन शेप, इस मेन शेप को अंदर घुसा देगा। तो डियर फ्रेंड्स, इधर पेगासस W1600 में जो कनेक्टिंग, जिगजैग कनेक्टिंग, इस कनेक्टिंग मेन शेप का नीचे रहेगा और W3600 जो मॉडल, 3600 मॉडल में ऊपर वाला बाजू में कनेक्टिंग रहेगा। तो हम लोग जो मेन शेप, इस मेन शेप नीडल बार का जो कैम, मेन कैम रहते, इस कैम का अंदर घुसा के लेके आया और जो जिगजैग कैम, इस जिगजैग कैम को हम लोगों को मेन शेप से थोड़ा सा राइट साइड में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो मार्क दिखाई दे रहा है, ये मार्क के ऊपर हम लोगों को डालना चाहिए। और इसके लेफ्ट साइड में भी एक बेयरिंग रहते, इस बेयरिंग भी हम लोगों को अंदर घुस गया, इस बेयरिंग भी हम लोगों को थोड़ा सा बाहर निकल के लेके आना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों को मेन शेप का नीचे से जिगजैग कैम का साथ जो कनेक्टिंग, इस कनेक्टिंग का छोटा वाला जो बाजू, इस बाजू हम लोगों को छोटा वाला रॉड का साथ जो पिन रहते, इस पिन हम लोगों को इसके अंदर घुसा के देना पड़ेगा। घुसा देने के बाद फिर हम लोगों को जो राइट साइड का जो मेन शेप, इस मेन शेप का डालना पड़ेगा और मेन शेप का नीचे जो बेल्ट, इस बेल्ट भी हम लोगों को ऊपर उठा के लेके आना पड़ेगा। बेल्ट ऊपर उठा के
फिर हम लोगों को ऊपर वाला जो पिनियम, इस पिनियम भी डालना चाहिए। तो हम लोग का एक बात ध्यान रखना चाहिए, नीचे वाला जो पिनियम, इस पिनियम के साथ भी हम लोगों को बेल्ट पकड़ के रखना चाहिए। अगर नहीं पकड़ेगा तो हम लोग को बेल्ट नीचे उतर जाएगा और हम लोग को निडल बार घूमेगा तो लेफ्ट से लोअर का बार नहीं घूमेगा। इसलिए हम लोग को नीचे वाला जो पिनियम, इस पिनियम का साथ भी पकड़ के रख के फिर ऊपर वाला जो पिनियम, ऊपर वाला पिनियम का बाजू में बेल्ट रख के फिर बैरिंग डाल के हम लोगों को जो जॉइंट कनेक्टिंग, इस जॉइंट कनेक्टिंग डाल देगा। तो इधर हम लोगों का एक बात ध्यान रखना चाहिए, जॉइंट कनेक्टिंग के साथ दो स्क्रू होते हैं, फर्स्ट स्क्रू और लास्ट स्क्रू। हम लोगों को दोनों मेन शेप का साथ मार्क रहते, इस मार्क फर्स्ट एक नंबर स्क्रू में डालना चाहिए। तो हम लोग को राइट साइड का जो मेन शेप, इस मेन शेप का जो मार्क, इस मार्क का अंदर 3 मिली एल की स्क्रू हम लोगों को फुल टाइट कर दूंगा। टाइट हो जाने के बाद जो लेफ्ट साइड का जो बार, ये दोनों बार हम लोगों को एक नंबर स्क्रू में रखना चाहिए। और एक बात भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इधर जो स्क्रू हम लोग डालेगा, इस स्क्रू को आखिर में थोड़ा टॉप रहते, इस टॉप वाला स्क्रू हम लोगों को डालना चाहिए। अगर प्लेन 3 मिली एल की स्क्रू डालेगा तो हम लोगों को जब भी मशीन रन करेगा उस टाइम पर हम लोग को इस जॉइंट कनेक्टिंग से टाइमिंग घूम जाएगा। इसलिए हम लोगों को जो मार्क वाला मेन शेप का जो मार्क एक नंबर स्क्रू, इस एक नंबर स्क्रू टॉप वाला स्क्रू हम लोगों को डालना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो नीचे जो मार्क दिखाई दिया था, इस मार्क का अंदर इस स्क्रू घूम जाएगा। अगर घुस जाएगा तो हम लोगों को मशीन रन करने के टाइम पे इस मेन शेप, दोनों मेन शेप एक साथ में घूमते रहेगा। अगर हम लोग इस मार्क में जो प्लेन स्क्रू डाला तो फिर हम लोगों को मशीन रन करने के टाइम पे इस टाइमिंग घूम जाएगा। इसलिए हम लोगों को इधर 3 मिली एल की स्क्रू टॉप वाला स्क्रू हम लोगों को डालना चाहिए। डाल देने के बाद फिर हम लोगों को जो जिगजैग का कैम इस पिन में डाला था, इस पिन के अंदर दोबारा घुसा दूंगा। घुसाने के बाद हम लोग इधर 5 मिली जो एल की स्क्रू, इस स्क्रू को हम लोगों को फुल टाइट कर दूंगा, क्योंकि हम लोग इसको दोबारा टाइमिंग करना चाहिए। फिर हम लोग जिस टाइम पर टाइमिंग करूंगा उस टाइम पर हम लोगों को आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे टाइमिंग कर सकते हैं। ऑलरेडी इस जिगजैग का कैम टाइमिंग के बारे में 3-4 वीडियो हमारा चैनल में अपलोड कर चुका है, आप लोग चाहे तो उस वीडियो भी देख सकते हैं, कैसे आप लोग जिगजैग कैम टाइमिंग कर सकते हैं, कैसे आप लोग जिगजैग का जो टान, इस टान छोटा और बड़ा कर सकते हैं, और इस फ्लैट लॉक स्विंग मशीन का बेल्ट टाइमिंग कैसे कर सकते हैं, और एबोटिंग टाइमिंग कैसे करने का, नीडल और लोपर टाइमिंग कैसे करने का, ए टू जेड बहुत सारा वीडियो मेरा चैनल में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो उधर से भी देख सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो मेन शेप, इस मेन शेप हम लोगों को नीडल बार का ऊपर जो कैम, इस कैम का इधर से बाहर निकल आया, हम लोगों को इसको थोड़ा सा अंदर घुसा के समान करके रखते होंगे। रख देने के बाद फिर आप लोग देख रहे हैं हमारा मशीन का जो बेयरिंग, इस बेयरिंग हम लोगों को राइट साइड में आ गया, और हमारा जो जिगजैग का कनेक्टिंग, इस कनेक्टिंग भी हम लोगों को बाहर निकल आया। तब हम लोगों को जो काम करना पड़ेगा, इस जिगजैग कनेक्टिंग को फुल लेफ्ट साइड में लेके जाना पड़ेगा, बेयरिंग का साथ हम लोगों को रखना चाहिए। रख के फिर जो पिन हम लोगों को डाला था, इस पिन निकल गया हमारा, अब दोबारा इस पिन को डालना चाहिए। लेकिन हम लोगों को इस जो कनेक्टिंग का नीचे वाला छोटा वाला बाजू, इस छोटा वाला बाजू के साथ कनेक्टिंग का जो पिन, इस पिन अच्छे तरीके से डालना चाहिए। इस पिन डाल देने के बाद फिर हम लोग इधर 5 मिली की थोड़ा सा लूज करके रखूंगा। रख देने के बाद आप लोगों को जो मूवमेंट कैम, इस मूवमेंट कैम भी डालना चाहिए। तो मूवमेंट कैम कैसे आप लोगों को डालेगा मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मूवमेंट कैम पे भी 2 स्क्रू मिल जाएगा, फर्स्ट स्क्रू और सेकंड स्क्रू। हम लोग को फर्स्ट स्क्रू मशीन का जो मेन शेप, इस मेन शेप का जो मार्क, इस मार्क का फर्स्ट एक नंबर स्क्रू में हम लोगों को डालना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस मशीन का मेन शेप डाल दिया, डाल देने के बाद हम लोगों को इस मशीन का टाइमिंग करना पड़ेगा। इस टाइमिंग एक एक करके आप लोगों को दिखाऊंगा, क्योंकि इस मशीन का फुल टाइमिंग मेरा चैनल में दे चुका है, कैसे आप लोग बेल टाइमिंग करेगा, बेल कैसे ऊपर उठाएगा, और कैसे आप लोगों को इस जिगजैग का कैम टाइमिंग कर सकते हैं। और कैम टाइमिंग के वीडियो का लिंक मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चाहे तो इधर से भी देख सकते हैं। अभी हम लोग जो मूवमेंट कैम टाइमिंग कर रहा हूँ, इस मूवमेंट का कैम का जो मशीन का राइट रोटेशन, इस रोटेशन का फास्ट जो स्क्रू आएगा, इस स्क्रू में हम लोगों को फर्स्ट स्क्रू डालना चाहिए। अगर फर्स्ट स्क्रू मेन शेप का जो मार्क, इस मार्क में नहीं डालेगा तो हम लोगों को मशीन जब हम लोग रोटेशन पूरे हाथ से घुमाएगा उस टाइम पर हम लोगों को नीडल बार सही तरीके से नहीं रुकेगा।
इसलिए हम लोगों को इस मिशन का मूवमेंट कैंप सही तरीके से डालना चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, बाकी जो वीडियो टाइमिंग वीडियो, इस टाइमिंग वीडियो देखने के लिए मेरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर दीजिए, उधर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। ताजी दादा की देखा करूँगा दूसरे एक वीडियो लेके, तब तक आप लोग खुश रहो, अच्छा रहो, अल्लाह हाफिज़।